अभी ब्रेकफास्ट वेक किया है क्योंकि बफे नहीं है, कोविड की वजह तो ग्रैब एंड गो है। जिब्राइल तू ओपन करते हैं, एक बैग में खा बेच की चीज़ है। एवरीवन नहीं ओनली वन बैग, सारे अंदर सेम चीज़ आई है ना। चल एक एक बैग खोल तो देख निकाल की किया है। बैठ जाना, बैठ के खोल। There's हाँ different flavors. This one's maple brown ओट मील्स and है sugar. ना जो सी नहीं खांदे। नेक्स्ट की Then there's this water that we already have. चलो ये देखें और क्या है, और Okay. खाक जिब्राइल बिस्की की है। बाकी सारे बैग सेम चीज़ आई है ना, सो वी डोंट हैव। तू बस भी खा दे, तू Is this पढ़ना। tangerine? ऑरेंज यस। What's a tangerine? Then a spoon. अच्छा Then there's this that John might have, but different. गेनोला बार। Yeah, at home. Then yogurt. योगर्ट है, दैट्स इट। चलो जी ए निकले ब्रेकफास्ट की चीज़ें, जैसे सिर्फ पानी पीना है और कुछ नहीं खाना। जाना दे बाबा, ये सिर्फ पानी पीना है और कुछ भी नहीं खाना। पानी ले लो तो, रोटी भी नहीं है, रोटी भी नया हुआ, खाली पानी पी लो। चलो जी मैं कहता हूँ नहीं खा भी, ये की चीज़ मिली है ब्रेकफास्ट के बीच। मैं बस अगुआ बेटा की ये चीज़ें से गए हैं जी, ग्रॉसरी करके लेके आए हैं। We got a lot of things. वाटरमेलन, कॉर्न्स, चेरीज, कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों के स्नैक्स। अब घर पे बस इधर की चीज़ें हैं। ओके जी नेक्स्ट I'm trying to leave नान this for you. नान लेके आए एक्स्ट्रा। फॉइल पेपर हमने लिया, डिस्पोजेबल बर्तन, और ये बच्चों के सारे फ्रूट स्नैक्स वगैरह चीज़ें हैं। बड़े बड़े पैक्स हमने लिए बेटा। वो कितने ओके मैं ज़रा भी खा लें। ये देखें ये 1 kg का हम लोग लेके आए M&M वाला, ये वाला, और 1 kg का हमने लिया है जो ओरिजिनल। और ये हमने किचन की सारी चीज़ें इधर रख रहे हैं हम लोग। नहीं कॉर्न नहीं 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 इन्हों हर प्लेट पा के इतने रख दे इतने, ताकि क्योंकि ख़राब ना हो मैंने। ठीक है चलो जी ये हम लोग सारी लेके आए हैं ग्रॉसरी, अभी हम गए थे बाहर। और ये जिब्राइल को देखें वाटर चलें, ये चेरीज भी हम लेके आए हैं। ये जी Where do you want the cherries? चेरीज इतनी शेल्फ तो रखो कि फ्रूट फ्रिज में नहीं रखना। नहीं इन बंद इन्ना निकाल बैबरे से इंजे रख। हाँ जी एक एक प्लेट पा के चीज़ इंजे रख दो ना। अब तो अभी हम लोग तैयार होकर निकल पड़े हैं होटल रूम से, क्योंकि मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या पहना है। तो ये बच्चों के कपड़े आप देख सकते हैं, क्योंकि मौसम बाहर गर्म है, कोई ठंडी हवाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी क्लाउडी हो जाता है, तो इसलिए बच्चे साथ अपनी कार्डिगन्स रख लेते हैं। तो ये मैंने आज पहना है जी। लॉन्ग ड्रेसेस मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ आउटिंग्स पे, क्योंकि कभी विंडी होता है तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो मैं लॉन्ग ड्रेसेस पहनती हूँ। साथ में हाथ में मैंने फ्लिप फ्लॉप्स पकड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पैरों में एक छोटा सा ब्लिस्टर है, तो वो मुझे अगर पेन करेगा तो मुझे जूते अगर चेंज करने पड़े तो मुझे ये था कि मेरे पास मेरे फ्लिप फ्लॉप्स हों ताकि मैं उनको चेंज कर सकूं। तो चलें जनाब अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और अभी आज हमने करना है जिस सिटी को एक्सप्लोर, और सिटी का नाम है जी कैलगरी। कैलगरी में हम जा रहे हैं, और कैलगरी पहुंचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी और डेज़ हैं। हम लोग कल हमारा ये पूरे मोर देन 1 वीक का एक ट्रिप है, तो हमने सोचा किस तरीके से हम लोग चीज़ों को डिज़ाइन करें। तो हमने यही सोचा कि एक दिन हम लोग मॉल्स देखेंगे, फिर एक दिन हम लोग नेचुरल ब्यूटी देखेंगे, फिर एक दिन हम कोई एक्टिविटीज़ करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने अपने पूरे वीक को प्लान किया है, क्योंकि अगर रोज़ ही हम बच्चों को नेचुरल ब्यूटी में और लेक्स पे और इधर उधर लेके जाएं तो बच्चे, मेरे बच्चे इतना खुश नहीं होते हैं। उनको ये मॉल्स और ये डाउन टाउन्स एंड जो होती है ना जो रश वाली जगह होती है, उनको ये बड़ी अच्छी लगती है। तो हमने ये सोचा कि अगर बच्चों को अच्छा लगता है ना, तो उनके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें दिनों को डिवाइड कर लेना चाहिए, कि एक दिन एक तरह की एक्टिविटी, दूसरे दिन दूसरे तरह की एक्टिविटी। और चूँकि इतना सनी डे होता है कभी कभी कि आप लोग इतना ज़्यादा आपकी स्किन बर्न हो जाती है, लाइक मुझे तो मेरी तो बर्निंग हो जाती है हाथों पर, फेस पर। आपको पता है मुझे वैसे भी एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ज़्यादा देर सन में नहीं रह सकती हूँ। तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे सन ब्लॉक्स भी लगाती हूँ और अच्छी अपनी स्किन की टेक केयर भी करती हूँ, इवन देन मुझे डर लगता रहता है कि खुदा ना खास्ता अगर सन बहुत ज़्यादा हुआ तो मेरी स्किन पे फिर से एलर्जी रिएक्शन ना हो जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी डाउन टाउन की तरफ, और डाउन टाउन की खूबसूरती देखिए, इतना खूबसूरत इनका डाउन टाउन है। मुझे तो कैलगरी ऑलवेज़ ऑलवेज़ बहुत अट्रैक्ट करता है, मैं जब भी कैलगरी आती हूँ मुझे मज़ा आता है। लाइक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं कैलगरी आऊँ और मैं कहूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि हम बहुत दफ़ा जा चुके हैं, लाइक काउंटलेस है, लाइक कितनी दफ़ा हम गए हैं। इवन बैंफ, इवन ये सारी जो लेक्स मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी, जो मॉल्स दिखाऊंगी, इन मॉल्स में हम लोग बहुत दफ़ा जा चुके हैं,
बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ हम बार बार करते हैं, लेकिन ये बार बार इसका अपना ही मज़ा है। लाइक हर दफ़ा जब आप करते हैं तो आपको उसकी इन्जॉयमेंट ऐसी होती है जब फर्स्ट टाइम वो चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जो जिसे हम वेकेशन बोलते हैं, वेकेशन नाम ही इसका होता है कि आप जाएँ बाहर, आप थोड़ा रिलैक्स हों। रिलैक्स होने के साथ ये नहीं होता कि आप थकते नहीं हैं, हम तो बहुत थक जाते हैं शाम में जब हम पूल जाते हैं, और जब मैं हॉट वाटर टब में बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है। तो ये सारी जो थकन है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके बावजूद ही जो आपको चेंज मिलता है, आप घर से निकले हुए होते हैं, घर में वो आपकी रूटीन लाइफ नहीं होती, तो आप उससे ज़रा फ्रेश मिल हो जाते हैं, आपको एक बूस्ट मिलता है, आप एकदम से बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो हमारी फैमिली तो ऐसी है, हमें तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके से घूमना फिरना। ऑल दो कि जब हम एक वीक के बाद, टू वीक्स के बाद जब हम वापस आते हैं घर, तो अगले दो तीन दिन तो हम सोते ही रहते हैं, लाइक क्लीनिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरीज होनी है, ये सारे काम होने, तो ये बड़े ही डिफरेंट हो जाते हैं। ये एक मॉल में मैं आई तो यहाँ पे अगर आप देखें आपको रेड लाइट्स नज़र आ रही हैं। रेड लाइट्स का मतलब है आपको दूर से पता चल रहा है कि यहाँ पे स्पॉट नहीं है पार्किंग के लिए। मैंने ये चीज़ एडमिंटन में नहीं देखी, मुझे नहीं नज़र आई, और मैं इवन एक दो जगह पर जब मैं हम US पे गए थे तो भी मुझे चीज़ नज़र नहीं आई। तो आपको दूर से पता चल जाता है कि कहीं पर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपके लिए स्पॉट अवेलेबल है, और अगर कुछ जगह पे था ब्लू कलर में, ब्लू कलर का मतलब है कि वहाँ पे स्पेशल नीड्स के बंदे जो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं उनके लिए वो जगह है। तो इतना मुझे ये अच्छा लगा, मैंने अप्रिशिएट किया, तो इसलिए मैंने इसको फिल्म भी किया, क्योंकि हम अभी आए हैं एक मॉल में, और इस मॉल का ये काफ़ी बड़ा इनका मॉल है, इनका आई थिंक इसका मॉल का नाम है शुनुक मॉल इसका नाम है, और शुनुक मॉल में हम लोग आए तो मुझे ये पार्किंग लॉट देख के बड़ा ही अच्छा लगा रहा है। मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि पार्किंग लॉट के ऊपर लाइट्स हैं जो आपको दूर से नज़र आके पता चल जाता है कि आपको देखना नहीं पड़ता कि कहाँ पे स्पॉट अवेलेबल है कहाँ पे नहीं, आप लाइट देखते हैं, लाइट को आप फॉलो करते हुए पहुँच जाते हैं। तो मॉल के अंदर हम आ चुके हैं, ये कुछ मॉल ऐसे हैं जिसमें मैं नहीं गई थी, तो मैं आपको वही मॉल्स दिखाऊँगी जो हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करें। इन मॉल्स में एक ये मॉल है और एक और हमने अपनी लिस्ट में डाला है, उधर भी हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला अगर हमसे टाइम मैनेज हो गया तो। इस मॉल में जब हम आए तो हमें ये अच्छा लगा, लाइक अच्छा था, खुला खुला ओपन सा इसका फीलिंग था। कोई हमने शॉपिंग का कोई प्लान नहीं था कि शॉपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, देखते हैं कुछ मिल गया तो ले लेंगे, अदरवाइज़ हमें इस तरीके से कोई नहीं है कि हमने चीज़ें लेनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके आई थी ये वेकेशन से पहले जब हम लोग तैयारी कर रहे थे उस वक्त, और ईद से पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी, तो मुझे शॉपिंग का तो कोई क्रेज़ नहीं। और फिर उसके साथ ये होता है कि मेरी गाड़ी में भी इतनी ट्रंक में जगह नहीं है कि उसको मैं भर दूँ शॉपिंग के साथ, हम ऑलरेडी जो स्टफ़ लेके आए हैं मुश्किल से हम लोग गाड़ी के ट्रंक में पूरा करते हैं। तो ये सारा जो घूमना फिरना होता है इसमें ये होता है कि हम घूमते फिरते हैं, कोई लंच वगैरह खा लेते हैं, कुछ कॉफ़ी ले लेते हैं, लाइक थोड़ी सी वो कहते हैं ना रिफ्रेशमेंट्स आपको नीडेड होती हैं, अदरवाइज़ आप आराम से चलें फिरें, थोड़ा वॉक अराउंड करें, हाँ कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो ले लें, वरना अदरवाइज़ कोई लिस्ट नहीं है टू बाय और टू डू वाली। तो हम लोग तो अपनी ऐसे ही रिलैक्स रखते हैं अपनी वेकेशन को, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना, अगर हम उनको बता देना कि आज हमने ये 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 चीज़ें करनी है तो उनका दिल ही टूट जाता है। अभी हम सब नीचे बैठे रिलैक्स होते, जिब्राइल ने बोला मुझे इस एलिवेटर में जाना है, ग्लास का एलिवेटर अम्मा मुझे लेके जाएँ। मैंने कहा चलो भाई, बाकी सब ने तो इनकार कर दिया, मैंने कहा चलो एक दफ़ा ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, दैट इज़ इट। हम लोगों ने वहाँ से ऊपर के फ्लोर पर नहीं जाना, तो जिब्राइल मान गए, तो अभी मैं और जिब्राइल जा रहे हैं ऊपर, और इधर जहाँ से ये लोग वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली जुड़ के बैठी हुई थी, और ऐसे जुड़ के बैठी थी जैसे अगले दो तीन घंटे इनका उठने का यहाँ से प्लान ना हो, क्योंकि वही बात है कि जब आप चलते फिरते हैं तो आप थक भी जाते हैं, और मेरे तो पैर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मेरे पैरों में तो इतने ज़्यादा ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, आई डोंट नो क्या हुआ, लाइक कि मुझे पानी में ज़्यादा जाने की आदत नहीं है, और आपको पता है पूल्स में क्लोरीन भी होता है, आई डोंट नो ये रीज़न है क्या है, मेरे पैरों में एक दो ब्लिस्टर्स बन गए थे, तो मैं इसीलिए बंद जूते तो लेके आई थी साथ, लेकिन उसके साथ मैंने फ़्लिप फ्लॉप्स ऑलवेज़ अपने कार में रखे कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मेरे पास मेरे फ़्लिप फ्लॉप्स हों। तो आज भी मुझे लग रहा है कि अभी बस थोड़ी देर में जाके मुझे चेंज करने पड़ेंगे, अभी तो पैर ठीक हैं, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि अभी आपको जो मैं दिन दिखा रही हूँ पूरा दिन फिनिश नहीं हुआ, हमने मॉल में तकरीबन लंच के बाद हम तकरीबन एक डेढ़ घंटा ही रुके थे, उसके बाद हम निकले थे, हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे जो आज नहीं इंशाल्लाह फिर कल आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप अगर मैं दिखाऊंगी तो ही आपको मज़ा आएगा, अगर मैं आपको सारी चीज़ें एक व्लॉग में डाल दूंगी ना तो आप उस चीज़ को इन्जॉय नहीं कर सकेंगे, तो मैं चाहती थी कि आप इन्जॉय करें।
तो ये है जी इनकी ब्रिज, इतनी ज़बरदस्त ब्रिज है इनकी, मुझे इतनी अच्छी लगी। और इस ब्रिज पे आप वॉक करें तो नीचे से ट्रैफिक जा रहा है और ये ब्रिज आपको एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जा रहा है मॉल के। तो मुझे इस ब्रिज पे आके मैं कितनी देर एक साइड पे खड़ी रही और देखी थी कि जब ट्रैफिक कितनी स्पीड से जा रहा था। जब आप खुद ड्राइव करते हैं ना तो आपको वो एहसास नहीं होता, आपको वो फीलिंग नहीं आती है कि गाड़ी आप कितनी तेज़ चलाते हैं। और रोड पर जैसे गाड़ियाँ चलती हैं ना, अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। तो चलें जनाब, अभी हम लोग हो गए डन इस मॉल से और आप देखें हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और बैफ की साइड पे हम लोग जा रहे थे वापस, और क्योंकि हमने भी होटल जाना है तो इसीलिए हम लोग निकले हैं यहाँ से और अब जाएंगे। और इतना प्यारा मौसम, इतना हसीन मौसम हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। एवरी डे यहाँ पे फोरकास्ट दिखाते थे कि बारिश होगी, हो नहीं रही, एक दफ़ा भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन बूंदाबांदी ऑलमोस्ट रोज़ ही हो जाती थी जिससे गर्मी का थोड़ा सा जोर सही हो जाता था। ਇਹਨੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਟ੍ਰੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਮੈਟ੍ਰੇਸ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਸੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। तो चलें जनाब, अब आपने देखा हम लोगों ने क्या किया, हम घर आए और उसके बाद हम ये टाइम होता है हमारा फैमिली टाइम जिसमें हम बैठते हैं, हम लोग लूडो खेलते हैं। तो ये लूडो हम लोग खेलते हैं जी डिजिटल होती है और इसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती, कोई कुछ नहीं हो सकता, बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं, नवीद, दजाना एंड बैबरस हम लोग खेलते हैं। जिब्राइल एंड जो मीकाइल वो हमारा साथ देते हैं, हमारे लिए रोल कर लेते हैं डाइस को, अदरवाइज़ हम चारों ही खेलते हैं। तो बस साथ हम खा पी रहे हैं और साथ हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लूडो को। ये फैमिली टाइम भी बड़ा ही मज़े का होता है। लाइक ये तो खैर हम घर में भी करते हैं, लेकिन जो होटल में ये चीज़ें करने का मज़ा है ना, उसका कोई भी जो कहते हैं ना कि मुकाबला नहीं है। मुझे लफ्ज नहीं मिल रहा था क्या बोलूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपना फैमिली टाइम भी स्पेंड करते हैं, होटल में भी इंजॉय करते हैं, हम स्विमिंग भी करके आए हैं, उसके बाद सब लोगों ने शॉवर वगैरह भी ले लिया। हम सब अब तैयार हैं कल के लिए। कल मॉर्निंग में उठेंगे तो सिर्फ जो मर्द हजरात हैं वो नहाते हैं, तीनों बॉयज़ नहाते हैं और मैं, बैबरस एंड जिब्राइल हम लोग रात को शॉवर लेके सो जाते हैं। तो बस इस तरीके से हम लोग अपना दिन गुजारते हैं, ढेर सारी मेमोरीज़ बनाते हैं। और जो मेमोरीज़ हम लोग जब देखते हैं बाद में तो हम इसको इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना मिस करते हैं कि कितना ज़बरदस्त टाइम था, कितने मज़े का टाइम था, क्या हमने अच्छा टाइम गुजारा है। तो ये सारी मेमोरीज हम लोग इनको कर लेते हैं अपने कैप्चर, अपने कैमराज में, फोटोज़ की शक्ल में, वीडियोज़ की शक्ल में, ताकि फ्यूचर में हम इनको देखें और हम इनको देख के खुश हो जाएं। तो चले जनाब, इसी नोट के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये ट्रैवल व्लॉग्स आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, आई नो आप लोग इसको इन्जॉय कर रहे हैं। तो फिक्र ना करें, और बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे, ट्रैवल व्लॉग्स ही हैं, आप लोग उसको इन्जॉय करेंगे। अभी लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक मज़ेदार नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब करने के साथ वहाँ पे बेल का आइकन होता है, उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई भी मेरे फन व्लॉग मिस नहीं हो। तो चलें जनाब, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में यार। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।